आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू कॉलर ऐप को डिफ़ॉल्ट डायलर से कैसे हटा सकते हैं, यानी कि ट्रू कॉलर कॉलिंग स्क्रीन रिमूव कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप को ओपन करिए और ओपन करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा। उसके बाद ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में तीन डॉट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर तीन डॉट पे क्लिक करिए। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे आएगा सेटिंग्स का ऑप्शन कुछ इस तरीके से, तो सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा, या फिर जब आप ट्रू कॉलर ऐप को ओपन करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपकी प्रोफाइल का आइकन आएगा, इस पे आप क्लिक करिए। और इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर राइट साइड में सेटिंग्स का आइकन आएगा, इस पे क्लिक करिए। और इस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉलर आईडी का, तो कॉलर आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर आएगा चूज स्टाइल, तो नीचे आएगा फुल स्क्रीन, आपका फुल स्क्रीन यहाँ पर सेलेक्ट होता है। तो इसे डिफ़ॉल्ट से हटाने के लिए ये जो ऑप्शन आएगा राइट साइड में क्लासिक पॉपअप, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर क्लासिक पॉपअप सेलेक्ट करने के बाद अब ट्रू कॉलर आपके डिफ़ॉल्ट डायलर से हट जाएगा। तो इस तरीके से ट्रू कॉलर ऐप को डिफ़ॉल्ट डायलर से हटाएं। और इसका एक और आसान तरीका है, बट वो किसी किसी फ़ोन में काम करेगा। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में डायलर को ओपन करिए, जिससे कि आप नंबर या फिर कॉल डायल करते हैं। तो यहाँ पर इसे ओपन करिए, यहाँ पर आएगा सेट एज डिफ़ॉल्ट, नीचे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करिए। क्लिक करके ये जो फ़ोन आएगा फ़ोन पे क्लिक करिए, फ़ोन सेलेक्ट करके सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करिए। और उसके बाद अब ट्रू कॉलर आपके डिफ़ॉल्ट से हट जाएगा। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।